नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। बेतिया नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा कड़ाके की ठंड व जारी शीत लहर के कहर से शहरी गरीबों को बचाने की पहल एक बार फिर की है। इसके लिए गुरुवार को लाल बाजार स्थित उनके आवासीय परिसर पर पहुंचे 1500 से भी ज्यादा जरूरतमंद परिवारों के बीच कम्बल बांटा गया। लाखों रुपए के इन कम्बलों को बांटने से करीब एक सप्ताह पहले भी इसी तरह का अन्य अभियान भी श्रीमती सिकारिया के द्वारा नगर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विभिन्न चौक चौराहे और फुटपाथों पर ठंड में ठिठुरते सैकड़ों गरीबों के पास खुद ही पहुंचकर सैकड़ों कंबल बांटने का कार्य कर चुकी है। आज के अभियान के मौके पर नगर निगम के निवर्तमान सभापति श्रीमती सिकारिया ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद व असहाय गरीबों की सेवा ही उनके सामाजिक राजनीति जीवन का ध्येय है। इनके साथ उन्होंने बताया कि अपने परिवार की निजी कोष से अपनी समाज सेवा व राजनीति यात्रा जारी रखने में निरंतर मेरा सहयोग व धन की पूर्ति करने वाले मेरे परिजनों की भी हृदय से आभारी हूँ। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क बेतिया जिला संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। आज जो वितरण किया जा रहा है इसके बारे में बताइए। जनवरी में कड़ाके की ठंड हो रही है, जैसा देख सकते हैं कि बेतिया शहर में किस तरीके से ठंड पड़ रही है। तो मेन उद्देश्य यही है वितरण का कि जो असहाय और जो सक्षम लोग हैं, जो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को ये वितरण किया जा रहा है। करीब 1500 लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। मैडम, ये बताया जाए केवल अपने वार्ड में बांटने के पूरे नगर में बांटें? देखिए, पूरे नगर में बांटना तो सक्षम इतना संभव नहीं है, क्योंकि खास तौर से मैं 24 नंबर वार्ड की वार्ड कमिश्नर हूं, तो मैं अपने वार्ड की जनता को दे रही हूं। लेकिन मेरे वार्ड के अलावा भी कोई लोग अगर आते हैं तो मैं उन सबों को भी दे रही हूं, जिनके जो भी ज़रूरतमंद है। और ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था में एक छोटा सा सहयोग किया जा रहा है, जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद परिवार, कोई भी असहाय परिवार इस ठंड से कहीं उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब उन ऐसा नहीं हो कि वो ठंड के चलते उनको कोई परेशानी हो रही है या फिर उनको दिक्कत हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम एक कंबल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में अपने नगर आयुक्त जो लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, उन्होंने जलावन की लकड़ी गिराने की चौक चौराहे पे बोले होते, मगर वो दो तीन ही जगह देखा गया। मैडम, इस पर आप मैंने क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी की व्यवस्था ये है कि जिसमें से हम लोगों को एज अ निवर्तमान नगर सभापति होते हुए हमारा पावर बंद किया गया है, क्योंकि हमारा इलेक्शन री इलेक्शन होने वाला है। तो जो विधि व्यवस्था में जो लोग कायम है और वो क्या कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। तो मेरी तरह अगर उनको जलावन की लकड़ी दी गई है तो हमारे वार्ड में भी जलावन की लकड़ी आई होगी। तो इसमें मैं इस संदर्भ में, इस समय, इस कार्यक्रम में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम अपने कार्यक्रम में कंबल का वितरण कर रहे हैं, जिसमें 1500 लोगों को कंबल वितरण करने का सहयोग दे रहे हैं। उसके संबंधित आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं।